वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बॉम्बल फ्राई। सिंपल और इजी बनाने में, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी बनती है। और ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले ली है गीली बॉम्बल और इसे अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है। 5 से 6 कली ली है लहसुन की और 1 हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को मैंने क्रश कर लिया है। नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है, और फ्राई करने के लिए रवा। अब हम बॉम्बल में सभी इन मसालों को ऐड कर देंगे। तो मैंने लहसुन और हरी मिर्च को ऐड कर दिया, साथ में ऐड कर देंगे नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें मिक्स करने लगे मसालों को। और मिक्स करने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। 10 से 15 मिनट बाद हम एक पैन गरम करेंगे या तवा, और उसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब तेल, और तेल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और ये देखिए, एक प्लेट में मैंने रवा लिया है, और ये जो हमने बॉम्बल को मसाला लगा कर रखा था उसके ऊपर हम रवा इस तरह से लगा लेंगे। अच्छी तरह से हमें रवा लगा लेना है। इन सभी बॉम्बल को हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। रवे के बजाय अगर आप गेहूं का आटा लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ही कुरकुरी और अच्छी बनती है बॉम्बल। और ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने कोट कर लिया है। तो अब तब तेल जो है वो गर्म हो चुका है। तेल गर्म होने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर इन बॉम्बल को फ्राई कर लेंगे। देखिए, एक तरफ से बॉम्बल जो है वो फ्राई हो गई है। लगभग 4 से 5 मिनट तक मैंने रहने दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब हम इसे टर्न लेंगे और फिर से दूसरी साइड से भी इसे सेक लेंगे। टर्न कर लिया है हमने। अब हल्का सा हम इसके ऊपर आसपास तेल ऐड कर देंगे ताकि बॉम्बल अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और 4 से 5 मिनट तक मैंने दोनों तरफ से बॉम्बल को फ्राई कर लिया है, और ये हमारी कुरकुरी बॉम्बल फ्राई बनकर तैयार है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।